गाइस स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। जैसा कि आप सबको पता है कि एक्सफिट जो नॉइस की तरफ से आ रही है और वो लॉन्च होने वाली है 26 नवंबर को, उसका मैंने ऑफिशियल प्रीव्यू है जो बना चुका हूँ। और आज हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे नॉइस कलरफिट ब्रियो को उसके साथ, क्योंकि ब्रियो हूबहू सेम डिज़ाइन की लग रही है। यहाँ पे कोई भी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, दोनों में ही क्विक रिप्लाई का ऑप्शन भी मिल जाता है और प्राइस भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको देखने को मिलता है। तो गाइज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। और गाइज चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को आप ऑल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेकपोक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जहां पे हम अमेजिंग डील शेयर करते रहते हैं आप सभी के साथ। आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे टेकपोक, आपको मिल जाएगा हमारा चैनल। 200 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे साथ ऑलरेडी टेलीग्राम पे जुड़ चुके हैं, राइट। तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले की बात करेंगे तो डिस्प्ले के मामले में कहीं ना कहीं दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती हैं। आप हूबहू देख सकते हो यहाँ पे पिक्सल साइज भी सेम है, डिस्प्ले साइज भी सेम है। यहाँ पे एक जगह एक्सफिट में आईपीएस ट्रू व्यू डिस्प्ले का यूज़ किया गया है, नाम दिया गया है, और ब्रियो में भी आपको आईपीएस पैनल ही मिलता है यहाँ पे। और डिस्प्ले की क्वालिटी भी अच्छी खासी है ब्रियो में भी, और एक्सफिट में भी डेफिनेटली अच्छी ही मिलेगी आपको, क्योंकि नॉइस की जो कलरफिट प्रो 3 थी या प्रो 3 असिस्ट थी या अल्ट्रा थी उसमें डिस्प्ले क्वालिटी आपको बेटर ही मिलती है। यहाँ पे रेस्ट टू वेक मिल जाता है बट ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं दिया गया दोनों में से किसी भी वॉच में। अगर मैं बात करूँ 2.5D कर्व ग्लास भी मिलता है आपको, प्रोडक्शन कौन सा एक्जैक्टली बताया नहीं है कंपनी ने, बट कोई ना कोई स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास तो यूज़ करती है करती कंपनी। यहाँ पे शार्पनेस अच्छी करी गई है, एक्सपेक्ट में आपको 354 पर पिक्सल पिक्सल पर इंच की आपको शार्पनेस मिल जाती है, और ब्रियो में आपको 326 पर पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है वो भी थोड़ी सी स्लाइटली बेटर है एक्सपेक्ट की एज़ कम्पेयर टू ब्रियो, बट यहाँ पे ज़्यादा कुछ ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा जब आप साइड बाय साइड रखोगे। तो ये भी सनलाइट विजिबिलिटी में अच्छा ही परफॉर्म करती है ब्रियो भी, और एक्सफिट भी आपका अच्छा परफॉर्म करेगी। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों ही अच्छा परफॉर्म करती है, और एक्सफिट स्लाइटली अच्छा परफॉर्म करती है आप कह सकते हो, और एज़ कम्पेयर टू ब्रियो से, राइट। आगे बात आती है यहाँ पे वॉच फेसेस की, तो यहाँ पे क्लाउड बेस वॉच फेस आप लगा सकते हो, हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड बेस वॉच फेस मिल जाते हैं, और गैलरी में से कोई भी इमेज का ऐसा वॉच फेस आप लगा सकते हो। लाइव वॉलपेपर का सपोर्ट एज ऑफ नाउ मैं बता नहीं सकता आपको, बट अनबॉक्सिंग के बाद ही बता पाऊंगा आप सभी को। बात आती है यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग की, तो यहाँ पे ब्रियो बहुत आगे निकल जाती है, 50 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं जहाँ पे एक्सफिट में आपको 14 ही स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, बट यहाँ पे जो वाटर रेटिंग है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक। डीप स्विमिंग के लिए नहीं बनी हुई वॉच, ये डेडिकेटेड स्विम मोड दिया गया, बट यहाँ पे आपको डीप स्विमिंग के लिए पूल स्विमिंग के लिए नहीं बनी है, तो यहाँ पे 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक ही सबमर्ज कर सकते हो। आगे बात करें यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, आप देख सकते हो यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर यूज़ करे गए हैं दोनों में ही, ग्रीन एक्सेंट का HR मॉनिटर के लिए और रेड एक्सेंट का SPO2 लेवल मॉनिटर के लिए। तो यहाँ पे सेंसर्स की एक्यूरेसी अच्छी है दोनों ही में, और क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है आपको दोनों ही वॉचेस में, और जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर हैं एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जायस्कोप सेंसर इंक्लूडिंग SPO2 लेवल सेंसर मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। तो फिटनेस ट्रैकिंग में स्लाइटली बेटर परफॉर्म करती है हमारी ब्रियो एज़ कम्पेयर टू नॉइस एक्सफिट 1। बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, रिप्लाई बैक का ऑप्शन आपको दोनों में ही मिल जाता है, यहाँ पे वाइब्रेशन के थ्रू भी आप अलर्ट्स को ले सकते हो, कॉलर आईडी कॉल को म्यूट और रिजेक्ट भी आप कर सकते हो, फुल टच पैनल है, स्मूथ है। यहाँ पे स्टटर लगा आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ब्रियो में थोड़ा सा स्टटर दिख सकता है आपको, और अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटडाउन टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिल जाता है एक्सफिट में, स्लाइटली बेटर आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी दिख जाती है एज़ कम्पेयर टू ब्रियो में ब्लूटूथ 5.0 का यूज़ किया गया है। फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन दोनों में ही है, और क्विक रिप्लाई का ऑप्शन भी आपको दोनों में ही मिल जाता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स के मामले में दोनों ही अच्छा परफॉर्म करती हैं, बेटर परफॉर्म करती हैं, एंड्रॉइड या iOS दोनों से आप पेयर कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ एक्सफिट ने थोड़ा सा अच्छा काम किया ब्लूटूथ 5.1 देके, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी थोड़ी सी इन्हांस हो जाती है, बेटर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ब्रियो। अब बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, सॉफ्टवेयर की बात करें कस्टम यूआई यूज़ किया गया, दोनों ही सेम ब्रांड के साथ आती हैं, तो कहीं ना कहीं सेम ही मेरे ख्याल से यूआई आपको देखने को मिल सकता है। सिंगल बटन कंट्रोलर और गेस्चर्स का यूज़ करके अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और कहीं ना कहीं यहाँ पे गेस्चर्स का सपोर्ट आपको दोनों में ही मिल जाता है। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 घंटे लेती है दोनों ही वॉचेस फुल चार्जर में, 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड करती हैं। एक्सपेक्टेड यहाँ पे नहीं कहूँगा एक्जैक्ट, यहाँ पे 210 एमएच बैटरी कैपेसिटी यूज़ करी गई है, और 8 डेज करंट टाइम क्लेम करती है ऑन द पेपर ब्रियो, और एक्सफिट आपकी 10 दिन करंट टाइम क्लेम करती है, और मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है एक्सफिट में आपको मेरे ख्याल से ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट है, इसी वजह से कहीं ना कहीं बैटरी बचती है इसमें ज़्यादा। एक्चुअली यूजर्स की बात करूँ तो 7 दिन तक एक्सफिट चल जाएगा अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन कर दिए, आप सिर्फ ब्लूटूथ को कट डाउन करके मतलब सिर्फ आप टाइम देख रहे हो और स्टेप्स काउंट कर रहे हो दैट्स इट, तो यहाँ पे आपको 7 डेज़ का रन टाइम मिल जाएगा, ब्रियो में 5 दिन का मिल जाएगा। बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं तो 3 से 4 दिन ब्रियो, और एक्सपेक्ट आपकी आपके यूजर्स पैटर्न पे 4 से 5 दिन का इजीली बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगी। अब बात आती है मेन फीचर्स की, तो यहाँ पे HR मॉनिटर आपको दोनों में ही देखने को मिल जाता है, उसी के साथ साथ SPO2 लेवल मॉनिटर भी आपको मिल जाता है, स्ट्रेस मॉनिटर भी आपको मिल जाता है देखने के लिए। और बात करें यहाँ पे स्लीप ट्रैकिंग की, तो दोनों में ही अवेलेबल है।
और 24/7 HR मॉनिटर आपको दोनों में ही देखने को मिल जाता है, और ऐप नोटिफिकेशन भी आप रिसीव कर सकते हो दोनों ही वॉचेज़ में। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्यूरेसी के बारे में, तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिलेगी, डेडिकेटेड सेंसर आपको दोनों में ही मिल जाते हैं। बात आती है कैलरी बर्न स्टेप ट्रैकिंग के, तो अवेलेबल है दोनों में ही, ब्रीद रिलैक्स का मोड भी अवेलेबल है, और गाइस यहाँ पे सेडेंटरी रिमाइंडर के साथ साथ फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी आपको दोनों ही वॉचेज़ में मिल जाता है। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है। यहाँ पे एक्सफिट में थोड़ा सा अच्छा काम किया गया है, यहाँ पे मेटल का फ्रेम यूज़ किया गया है, ब्रियो में आपको पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड मिलता है, ओवरऑल फ्रेम भी पॉलीकार्बोनेट है, बेस भी पॉलीकार्बोनेट है, हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। एक्सफिट में आपको जो डायल है वो मेटल है, बेस पॉलीकार्बोनेट का यूज़ किया गया है, 20 mm स्ट्रैप साइज़ है, तो आफ्टर मार्केट का भी आप यूज़ ऑन कर सकते हो। आगे बात आती है सिलिकन स्ट्रैप की क्वालिटी है, तो स्ट्रैप की क्वालिटी बेटर है यहाँ पे एक्सफिट में, थोड़ा सा मेरे को स्लाइटली बेटर लगा स्ट्रैप की क्वालिटी, क्योंकि वहाँ पे मतलब लुक वाइज ज़्यादा बेटर फील हो रहा है, रेड और ब्लैक एक्सेंट जो मैंने प्रीव्यू बनाया था उसमें कहीं ना कहीं अच्छा फील हो रहा है। और ब्रियो में आपको एक सिंगल एक्सेंट में ही मिलता है, तो आप आफ्टर मार्केट का यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। गाइस यहाँ पे वॉच डायल की बात करूँ तो एक्सफिट आगे निकल जाती है, मतलब बिल्ड क्वालिटी में एक्सफिट 1 थोड़ी सी आगे है, ब्रियो थोड़ी सी हमारी पीछे रह जाती है बिल्ड क्वालिटी में। अब गाइस प्राइसिंग की बात भी कर ही लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्राइसिंग के अलावा तो कहीं ना कहीं हम वॉच को देखते ही देखते हैं, मतलब प्राइसिंग सबसे पहले देखते हैं। एक्सफिट की अगर मैं बात करूँ, अमेज़ॉन पे सेल पे जाने वाली है 26 तारीख को, 26 नवंबर को, और 10 बजे सुबह सेल पे चली जाएगी, और इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत आपको 3000 में मिल रही है, बट इसका प्राइस 3500 रुपये हो जाएगा उसके बाद। ब्रियो की बात मैं करूँ, अभी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है अंडर 3000 के प्राइस ब्रैकेट में, फेस्टिव सीजन पे इसका प्राइस 2500 रुपीज़ हो गया था, तो 23 भी गया था, इवन 2300 रुपीज़ जब बिग बिलियन डेज चल रहे थे, बट अभी इसका प्राइस बढ़ चुका है। बट मेरे ख्याल से हो सकता है कि अभी न्यू ईयर पर थोड़ा सा प्राइस फिर से कम हो सकता है, तो एज ऑफ नाउ एक्सफिट आपकी इसी प्राइस पर बिकेगी, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत आपको मिल रही है। अब गाइज़ यहाँ पे कंक्लूजन की बात आती है, तो गाइज़ यहाँ पे एक्सफिट में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्लाइटली ब्राइटनेस लेवल ज़्यादा मिलते हैं, और एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों की ही। और ब्रियो में अगर मैं ऑन द हैदर बात करूँ, तो ब्रियो में भी एक्यूरेसी लेवल सेम ही मिलता है एक्सपेक्ट की तरह, ब्रियो में स्पोर्ट्स मोड ज़्यादा मिल जाते हैं। ब्रियो में थोड़ा सा एक चीज़ का इशू है कि यहाँ पे लैग करता है थोड़ा सा, मतलब जब आप स्टटर लैग दिखेगा आपको करने के लिए, मतलब स्टटर या लैग दिखेगा जब आप स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा स्लो है वॉच ये, और एक्सफिट मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगी, थोड़ा सा इस पर काम किया गया होगा, और दोनों में एक क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, और सारे के सारे फीचर्स तो आपने देख ही लिए सेम ही मिलते हैं, कुछ ह्यूज डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों ही रिकमेंडेड है, यहाँ पे दोनों में से आप कोई सी भी ले सकते हो। एक्सफिट आपकी 3000 में अवेलेबल है, और ब्रियो भी आपकी एज इट इज़ 3000 में ही अवेलेबल है। तो गाइज़ मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे A to Z डाउट्स तो आपके क्लियर कर दिए हैं दोनों ही वॉचेस को लेके, और अगर आपका क्वेरी या कोई डाउट रह जाता है इसके अलावा भी, तो आप ज़रूर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओवरऑल यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में कहना चाहूँगा एक्सफिट थोड़ा सा आगे निकल जाती है ब्रियो से, अगर आपको रगेड वॉचेस को यूज़ करना पसंद है, तो रगेडली यूज़ करते हो, तो आप एक्सफिट की तरफ जा सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगी आपके लिए एज़ कम्पेयर टू ब्रियो, राइट। तो गाइज मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।